ये हमारे लेट लतीफ क्यूट भाई है। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज का व्लॉग की शुरुआत प्रीत भाई करेंगे। संडे में स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मैं लेट लतीफ प्रीत हूँ और आखिर में मुझे सजा मिलेगी कुछ, चिराग भाई देंगे और परेश भाई देंगे, देखते हैं अभी क्या मिलती है सजा। प्लानिंग कुछ ऐसा है कि हम लोग निकल रहे हैं अहमदाबाद से, जाने वाले हैं आनंद के पास। एक जगह है नेजा विलेज करके, गुजरात का गोवा कह सकते हैं। वहाँ पे जो बड़े बड़े ताड़ के झाड़ है वो बने हुए, बीच में से काफी अच्छा सा रोड जा रहा है, तो वो विलेज को जाके एक्सप्लोर करेंगे और फिर वहाँ से शायद हम निकल जाएंगे आगे। खंबात की खाड़ी है उस साइड जा सकते हैं। मेरे साथ है परेश भाई, गुज्जू राइडर 9300। गुज्जू राइडर, तो देख लेना, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाके देखना। परेश भाई अभी बहुत ही लंबी राइड करके वापस आए, लेह लद्दाख और जांस्कर करके आए, हमने साथ में गए थे, 14-15 दिन का हमारी राइड थी। मैंने एक वीडियो डाल दिया है, बाकी वीडियो चालू है, वो भी आ जाएगी। और प्रीत भाई के पास तो टाइम ही नहीं है वीडियो बनाने का, परेश भाई पहली बार आ रहे हैं साथ में हमारे और 3 हिमालयन ही है, तो बहुत ही मजा आने वाला है। यहाँ पर रुके हुए थे हम लोग कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए, टाइम हो गया अभी 9:20, तो नाश्ता कर लिया और अब वापस निकल रहे हैं आगे के लिए। ज़्यादा अभी राइड नहीं किया, शायद 60-70 किलोमीटर ही हुआ है, धीरे धीरे चला रहे हैं बाइक। और यहाँ से भी हमको जहाँ जाना है, जहाँ हमारा आज का डेस्टिनेशन है नेजर टूरिस्ट पॉइंट, वो यहाँ से 50 किलोमीटर और आगे 1.5 घंटा लगेगा शायद। थोड़ा सा मैं रहूँगा जाऊँगा क्योंकि आगे बहुत लंबा टर्न है। अंदर ओके, ये हाईवे पे यहाँ ऊपर ये जो वडोदरा हाईवे, अब यहाँ से अब चले जाएंगे छोटे रोड पे जो कि सर्विस रोड है। बरसात चालू हो गई है, जिसका डर था वही हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई, एक शेल्टर ले लेते हैं हम यहाँ पे। आनंद भी क्रॉस कर लिया है, हम लोग जा रहे हैं नेजा विलेज, वो भी यहाँ से भी शायद 15-20 किलोमीटर जितना बाकी है और यहाँ बरसात चालू हो गई है। तो जो भी जरूरी सामान है वो परेश भाई का जो वाटरप्रूफ बैग है उसके अंदर रख दिया हमने, ड्रोन वगैरह जो भी है, और अब गोप्रो भी निकाल के मैं रख ही दूँगा अंदर, क्योंकि ये माइक में यूज़ करता हूँ तो वाटरप्रूफ नहीं रहता है, करके फिर निकलते हैं। ये जो आपको वीडियो में दिख रहा है यही है नेजा टूरिस्ट पॉइंट। उस समय मोटो व्लॉगिंग करते हुए माइक में कुछ खराबी हो गई थी, तो हमने सोचा क्यों ना वॉइस ओवर कर दिया जाए, तो वैसे भी हम लेट हो गए थे, सो वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर इट वेलकमिंग गेस्ट फ्रॉम अहमदाबाद। એને લઈ લેવો છે ને? હા ના, ઓર લઈ લે, હા તો એ જોઈએ છે ને, સારો બીચ જોયો છે ને? હા એને બધું જોયેલું। અભી હમ લોગ જો खंबात की खाड़ी है वहाँ, एक्चुअली जो नेजा विलेज पहले घूमने का प्लान था वो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, शाम के टाइम शायद जाते हुए देखेंगे। और ये है पीछे ये खंबात की खाड़ी, ये सागर भाई है, प्रीत भाई के फ्रेंड, साथ में जॉब करते थे पहले, यहाँ के लोकल ही हैं। तो अभी हम लोग शायद ऐसा सोच रहे हैं कि नीचे उतारेंगे बाइक, ऑफ रोडिंग करेंगे।
यहाँ से अभी खम्बात में पानी नहीं है, जो भी यहाँ के ड्रोन छोड़ते हो ले लिए। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, एक और पास में बीच है कोई शिकोतर माता का, कोई धुआरण करके बीच है शायद, वहाँ जाएंगे। वहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि किनारे तक पानी है, तो वहाँ जाके देखते हैं। अभी हम लोग आ गए जो आज का जो मेन मार्केट है वहाँ पे वापस, जो भी है खम्बात का खाते वो सब घूम के वापस आ गए थे सिटी में। कुछ ही जनरली फेमस है इस चीज़ की, एक तो यहाँ का हलवाशन है, ये पीछे दुकान है श्री कृष्णा, वहाँ जाके हमने ले लिया था, और यहाँ की सूत्र फैंडी, दो चीज़ तो वो बैग भर भर के ले लिए। और यहाँ से वापस निकल रहे हम लोग घर जाने के लिए, जो रास्ते में निजा भी ले जाएगा उसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर वहाँ से निकल जाएंगे वापस अहमदाबाद के लिए। पहुँच गया अभी हम लोग जो नेजा विलेज है जिसके लिए हम घूमने आए थे मॉर्निंग में वहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि विंड कंडीशन बहुत ही ख़राब है, बहुत तेज़ी से हवा चल रही है। मैंने ट्राई किया ड्रोन उड़ाने का, लेकिन ड्रोन काम नहीं कर रहा है। फिर भी थोड़े बहुत ड्रोन शॉट्स आए हैं वो डाल दिए। और ये जो पीछे दिख रहा होगा, ये पूरा सराउंडिंग दिख रहा होगा मेरी चारों तरफ, ये है नेजा विलेज। आनंद से शायद 20 या 25 किलोमीटर अंदर खम्बात वाले रोड पे, खम्बात से 3 किलोमीटर पहले मिल जाएगा आपको। चारों तरफ ऐसे बड़े बड़े ये नारियल के पेड़ हैं, और काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अर्ली मॉर्निंग काफ़ी अच्छे शॉट्स आते हैं यहाँ पे, फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। और ठीक है, अभी यहाँ से जाना है, एक और लोकेशन है जो नेजा के पास वहाँ, फिर वहाँ से हम निकल जाएंगे अहमदाबाद के लिए। अभी बज गए शाम के 6, राइड ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। मैं प्रीत भाई, परेश भाई, प्रशांत भाई, तो मीन्स काफ़ी अच्छी राइड रही। और फिर हम लोग और प्लान करने वाले आगे, ऐसी शायद 2 या 3 दिन की राइड का और होने वाला है। और मज़ा आया परेश भाई के साथ, पहली बार इतनी अच्छी तरह से राइड करी है। मैं और प्रीत भाई तो करते रहते, प्रशांत भाई आप भी ज्वाइन करना हमको आगे तो राइड का, और निकलते भी आते यहाँ से।